आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन डिश इडली। इडली मैं दो तरीके से बनाऊंगी, वेज इडली और प्लेन इडली। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत इजी रेसिपी है ये। लेट्स स्टार्ट। ये स्टार्ट करते हैं रवा इडली बनाना। इसके लिए मैंने 500 ग्राम सूजी ले ली है, रवा ले लिया है। अब मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। सूजी में मैं डाल रही हूँ खट्टी छाछ। छाछ खट्टी हो तो सूजी बहुत ही जो अच्छे से खट्टी छाछ डालने से सूजी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती है। जितनी सूजी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम छाछ डालेंगे। आपकी खट्टी नहीं है छाछ तो इसमें नमक डाल के एक दिन बाहर रख दीजिए फ्रिज से, तो वो खट्टी हो जाएगी। मिक्स करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और लेंगे हम छाछ। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मुझे थोड़ी सी कम लग रही है छाछ, मैं और डालूंगी क्योंकि ये सूजी जो भीगेगी इसमें सोक करेगी तो सॉफ्ट होगी इससे। अब इसको मिक्स करके देखेंगे कि मेरा बैटर सही है कि नहीं है। ये हमारे बैटर सही है, इसकी कंसिस्टेंसी सही है क्योंकि फूलने पर और गाढ़ी हो जाएगी। अभी इसको हम एक घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। मैं इसको ढक्कन लगा के एक घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। ये हमारे तैयार हो चुका है, इसमें ये फर्मेंट हो चुका है, बहुत ही अच्छा फर्मेंट हुआ है इसमें। अब मैं दो तरह की इडली बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। एक और पतीले में इसको ले लूँगी आधा बैटर। ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बैटर को। इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स क्योंकि हम वेजिटेबल्स वाली इडली बना रहे हैं, और ये हम प्लेन रखेंगे दूसरी वाली। वेजिटेबल इडली बनाने के लिए मैंने लिए है मटर, टमाटर, फूलगोभी, मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, दो मीडियम साइज के प्याज, एक शिमला मिर्च, अदरक छोटा सा पीस और थोड़ी सी पत्ता गोभी। इसको हम एक साथ ही चॉप कर रहे हैं। ये मैंने सारी वेजिटेबल्स को एक साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं ये जो बैटर है, बैटर में जितना बैटर है उसके अकॉर्डिंग हमको सारी वेजिटेबल्स डालनी है। मैं इसमें डाल रही हूँ सब मिक्स वेजिटेबल्स, बहुत ही हेल्दी इडली बनेगी हमारी। ये मिक्स कर ली अच्छे से वेजिटेबल्स। ये थोड़ा सा बैटर गाढ़ा हो चुका है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा बाउल जितना, ज़्यादा पतला नहीं करना हमको, बस थोड़ा सा। नॉर्मली लूज होता है तो बैटर, तो इडली है जो एकदम फ्लफी बनती है, एकदम स्पॉन्जी बनती है। ये इस तरीके का बैटर हमको रखना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं, पहले भी छाछ में डाला है नमक तो उसके अकॉर्डिंग हमको नमक डालना है। मैं 1/4 टीस्पून जितना नमक डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं बैटर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कंसिस्टेंसी हमको रखनी है इसकी। अब प्लेन वाला बैटर ले लिया हमने, इसमें भी हम नमक वगैरह डालेंगे थोड़ा सा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेगा नमक। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून जितना नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ इनो। इनो आप चाहे तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा कम ही डालिएगा, 1/4 टीस्पून जितना ही डालते हैं। मैं इसमें इनो डाल रही हूँ। इनो डालने के बाद हमको तुरंत गैस पे इसको इडली को चढ़ाना होता है। मैंने साइड में स्टीमर में पानी डाल के गर्म कर दिया है। ये एकदम फ्लफी हो चुका है बैटर। हम फटाफट इसको ग्रीस कर लेते हैं इडली जो सांचे को।
तेल या ऑयल या घी आप किसी से भी कर सकते हैं, जिससे जो हमारा इडली का बैटर है वो चिपके नहीं, आसानी से निकल सके। अब मैं जो प्लेन वाला बैटर है वो डाल रही हूँ। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम इजीली फ्लो हो रहा है बैटर। ज़्यादा टाइट या हार्ड होगा तो वो थोड़ी टाइट हो जाएगी इडली, एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगी। अब मैंने ये वाला बैटर लिया है, वेज बैटर, इसमें भी मैं इनो डाल रही हूँ, पहले नहीं डाला था हमने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको भी ग्रीस की हुई प्लेट में डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दी है, अब मैं इसको स्टीमर में डाल रही हूँ और 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे स्टीमर में। स्टीमर में पानी डाल के हमने अब ये जो सांचे हैं वो रखेंगे वन बाय वन, लाइन टू लाइन। इसमें हमने रख दी है इडली, अब इसको हम ढक लगा के 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। बीच में एक बार चेक करते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे जिससे अच्छे से स्टीम हो। 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारी रेडी हो चुकी है। दोनों ही रेडी हो चुकी है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें अंदर जाली पड़नी चाहिए नाइफ की वजह से, नाइफ की हेल्प से आप इसको चेक कर लेगा, इसका मतलब ये हमारी रेडी है, इसको हम सर्व करते हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ सांचे में से, ये चम्मच की हेल्प से निकालेंगे हम, आराम से निकालना है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी इडली, एकदम स्पॉन्जी। अब सारी इडली निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सर्व कर दिया है, बहुत ही टेस्टी बनी हमारी ये वेज इडली और प्लेन इडली। मैंने इसको सांभर दाल और चटनी के साथ सर्व किया है। सांभर दाल और चटनी की रेसिपी मैंने पहले अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और यदि आपको ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।